विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प को पूरा करने वाला है मोदी सरकार का बजट। प्रद्युम्न सिंह तोमर। सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और विकास उन्मुखी है मोदी सरकार का नया बजट। तिरंगा यात्रा को लेकर भी की बातचीत। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज एक निजी गार्डन में केंद्रीय बजट और हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नया बजट देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प की पूर्ति करने वाला बजट है। मोदी सरकार का बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित कर रही है। तिरंगा यात्रा राष्ट्र के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करने का एक जरिया है। हर कार्यकर्ता को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होना है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 का जो बजट प्रस्तुत किया है उससे भी ये बात झलकती है कि एमपी के मन में मोदी। इस बजट में मध्य प्रदेश को 97,907 करोड़ रुपए दिए हैं जो पिछले बजट की तुलना में 11,205 करोड़ रुपए अधिक है। रेल मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं के लिए 14,738 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो कि कांग्रेस के समय में केवल 632 करोड़ रुपए मिला था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं के विकास का ऐतिहासिक काम हुआ है। विगत 10 वर्षों में 1,062 फ्लाईओवर से लेकर कई प्रकार की सौगातें मध्य प्रदेश को मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ परिवारों को उनके सर पर छत देकर उनके जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो लोग इससे वंचित रह गए हैं उसके लिए 3 करोड़ आवास और बनाए जाएंगे। मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हर घर तिरंगा लहरा रहा है। चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, युद्ध का क्षेत्र हो, हर जगह तिरंगे की शान बढ़ी है। इसलिए हम सभी को 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा अनिवार्य रूप से लगाने चाहिए। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष राजू बातम, विधायक देवेंद्र जैन भी मौजूद रहे।